हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जीके के 20 बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर आए हैं। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, नाइट्रोजन यौगिकों का नाइट्रोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है? सही जवाब होगा विनाइट्रीकरण। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते किस माध्यम से दिए जाते हैं? भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते। किसी जानवर के दूध देने की क्षमता क्या कहलाती है? पे डिग्री कहलाती है। पे डिग्री किसी जानवर के दूध देने की क्षमता। सर्वप्रथम स्वास्थ्य चिन्ह के अवशेष किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं स्वास्थ्य के चिन्ह। गरीब दिवस कब मनाया जाता है? 28 जून को मनाया जाता है गरीब दिवस। किलिमंजारो किस प्रकार का ज्वालामुखी है? मृत ज्वालामुखी है। किलिमंजारो मृत ज्वालामुखी है। अमेरिका ने दास व्यापार पर कब प्रतिबंध लगाया? 1808 ईस्वी में अमेरिका ने दास व्यापार पर प्रतिबंध लगाया। भारत में औद्योगिक मूल सृजन किस राज्य में सर्वाधिक है? महाराष्ट्र में सर्वाधिक है। ऋग्वेद के तीसरे प्रधान देवता कौन थे? सोम ऋग्वेद के तीसरे प्रधान देवता हैं। थल सेना के कमीशन अधिकारियों में सर्वोच्च पद कौन सा है? जनरल का पद है, जनरल। सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? 2,80,000 रुपये मिलते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह। किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। राजा की उत्पत्ति का प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है राजा की उत्पत्ति का प्रथम साक्ष्य। नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है नौसेना का मुख्यालय। विश्व का सबसे अधिक लौंग उत्पादक देश कौन सा है? तंजानिया। विश्व का सबसे अधिक लौंग उत्पादक देश है तंजानिया। पोटेशियम अल्पता की कमी से कौन सा रक्तचाप होता है? निम्न रक्तचाप। भारत में प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता में सर्वोच्च दो राज्य कौन से हैं? पंजाब तथा हरियाणा है। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान। नौसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विशाखापत्तनम में स्थित है नौसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ताकि हमारी टीम उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आ सके। हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।